हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिंट चिकन। ये बिल्कुल नई रेसिपी है आप सबके लिए। दोस्तों, आपको मेरा चैनल अगर पसंद आता है, मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो आज हम बनाएंगे मिंट चिकन। इसके लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज को लंबे लंबे कट करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज, ये फ्राई जो हम कर रहे हैं, ये हमारे मैरिनेशन के लिए काम आएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन हो चुका है, इसे हमें डार्क ब्राउन होने पे ही निकालना है। इसका कलर डार्क ब्राउन हो चुका है, ये फ्राइड अनियन है, ये हमारा रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने चार हरी मिर्ची बारीक बारीक कट करके रखा हुआ है, पुदीना हमने यहाँ कट करके रखा हुआ है, यहाँ पे धनिया भी हमने कट करके रखा है। 500 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, हाफ टी स्पून मैंने इस पे हल्दी ऐड किया है। हाफ टी स्पून अप्रोक्स मैंने यहाँ पे चिकन मसाला ऐड किया है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाला है अभी, और हाफ टी स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी, और हाफ टी स्पून ही मुझे इसमें गरम मसाला ऐड करना है। इसमें कटा हुआ पुदीना हम डाल देंगे। कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और हरी मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने फ्राई किया हुआ अनियन भी हम ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। मैरिनेशन में डालने से इसका टेस्ट एक अलग ही आता है। बेसिकली ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है जो मैंने रेडी की है आप सबके लिए। अब इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये हमने मिक्स कर दिया है, अब से तकरीबन हम इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे। कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें 2 बड़े चम्मच हम तेल ऐड कर देंगे। रिफाइंड डाल सकते हैं या आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ खड़े मसाले हमने ऐड कर दिए। बारीक चॉप किए हुए 2 प्याज हमने रखे हुए थे, वो हमने इसमें ऐड कर दिए। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें टमाटर प्यूरी मैंने रेडी करके रखी हुई थी, वो ऐड कर देंगे। 4 टमाटर यूज़ किया हमने प्यूरी बनाने के लिए यहाँ पे। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं टमाटर ने थोड़ा सा ऑयल सेपरेट कर लिया है, यहाँ पे ऑयल थोड़ा सेपरेट दिखने लगा है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, हल्दी डालेंगे थोड़ा सा, और चिकन मसाला भी ऐड कर देंगे। मसाले हमने मैरिनेशन में ऑलरेडी डाले हुए, इसलिए हम इसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी रखेंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी बाउल को धो के थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे।
पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है और हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। कम आंच में पकेगा धीरे धीरे इस तरह से। अब इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। चार से पाँच मिनट हो चुकी है इसे ढक के पकते हुए। अब हम इसे एक बारी बीच में चला लेंगे। इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे पानी, क्योंकि हमने कम ही ऐड करा हुआ और ये धीरे धीरे कम आंच में ही पकेगा। चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। आप देख सकते हैं पानी भी इसमें कम हो चुका है। अब इसे हम बीच में एक बार चलाएंगे। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट तक और पका देंगे। अब हम देखते हैं चिकन, इसका देखो कलर भी चेंज हो चुका है, एकदम परफेक्ट कलर आ गया और ये चिकन बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। ऑयल भी एकदम सेपरेट हो गया और बिल्कुल एकदम देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसे एक बाउल पे सर्व कर लेते हैं क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है पक कर के। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना होगा ये। इस तरह से आप इसको एक बाउल में सर्व कर लीजिए। आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है और जब आप बनाएंगे तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। आपको ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना कि ये आपको कैसा लगा। साथ ही साथ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।